मुस्लिम लीग नून के अरकान ने इस्तीफों के मामले पर यूटर्न ले लिया। ज़राए के मुताबिक मुर्तजा जावेद अब्बासी ने स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर से राब्ता किया और अपना और सज्जाद अवान का इस्तीफा वापस लेने की बात की। मुर्तजा जावेद का मौकफ है कि उन्होंने इस्तीफे सोशल मीडिया पर दिए थे, स्पीकर को नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली कहते हैं कि इस्तीफे वापस लेने हैं तो तहरीरी दरख्वास्त दें। शोबा कानून साजी ने भी तस्दीक की है कि दोनों अरकान के इस्तीफों की वसूली का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। इस्तीफे वापसी के लिए दोनों अरकान ने शोबा कानून साजी से भी राब्ता किया है। मज़ीद जानेंगे अनवर रजा से। अनवर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम नून ने इस्तीफों के मामले पर फिर यूटर्न लिया है और हमारे ज़ाहिर कहते हैं कि साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर से टेलीफोन पर राब्ता किया है और मुर्तजा जावेद अब्बासी ने अपना और सज्जाद अवान का इस्तीफा वापस लेने की बात की है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर साबिक कौमी असेंबली मुर्तजा जावेद अब्बासी का मौकफ है कि हम दोनों ने इस्तीफे सोशल मीडिया पर जारी किए थे, जबकि कौमी असेंबली कानून साज बराज ने इस्तीफे वसूल करने की बाजाबता तस्दीक की थी। इस मौके पर स्पीकर कह रहा था कि अगर आपने इस्तीफे वापस लेने हैं तो आप तहरीरी तौर पर कौमी असेंबली सेक्रेटरीट को दरख्वास्त दें, क्योंकि कौमी असेंबली से कायदा 47 के तहत इस्तीफों की जांच पड़ताल के बाद मंजूरी होगी। जबकि मुर्तजा जावेद अब्बासी और सज्जाद अवान के इस्तीफों की वसूली का मुकम्मल रिकॉर्ड शोबा कानून साजी जो है कौमी असेंबली सेक्रेटरीट में मौजूद है, जबकि इस्तीफों की वापसी के लिए दोनों अरकान ने राबता भी किया है। इस हवाले से सजा हमारे राय कहते हैं कि पार्टी चारक भी दोनों अरकान से इस्तीफे वापस लेने पर जोर दे रही है और इस हवाले से बराह रास्त इस्तीफे जो है वो स्पीकर को भिजवाने के बजाय पार्टी क्यादत को भिजवाने चाहिए थे, ऐसा पार्टी राय कहते हैं। इस हवाले से जो अब मुस्लिम लीग नून के दोनों अरकान हैं उनको मुश्किल का सामना है। अगर वो इस्तीफे वापस लेने से मुतालिक बाबा दरख्वास्त देते हैं तो ये साबित होता है कि उन्होंने कौमी असेंबली सेक्रेटरीट को इस्तीफे भिजवाए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनवर रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे।